Let's shift our focus to Uttarakhand now, where the Congress has deployed its senior leaders in 13 districts to coordinate with the party candidates. The party has sent senior leaders, including party MPs, AICC office bearers, and Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel. This is uh, being seen as an exercise by the party to keep its flock together. Remember, exit polls had predicted a very tight contest in the hill state, triggering fears of horse trading. All right, आई एम ज्वाइन बाई अभिषेक सिन्हा ऑन द ब्रॉडकास्ट फ्राम देहरादून अभिषेक बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तो 10 मार्च आ ही गया है लगभग और हम देख रहे हैं कि गोवा से मणिपुर मणिपुर से उत्तराखंड एग्जिट पोल के बाद स्थिति काफ़ी बदल गई है एम एल एज जो कैंडिडेट्स हैं उनको रिजॉर्ट्स में रखा जा रहा है कांग्रेस अपने जो टॉप लीडर्स हैं उनको कई राज्यों में भेज रही है ये uh, मद्देनजर रखते हुए कि जो उनकी टीम है वो साथ में रहे उत्तराखंड की क्या स्थिति है अभी क्या हो रहा है उत्तराखंड में देखिए उत्तराखंड की बात कर दूं तो दोनों ही पार्टियां जो विपक्ष और पक्ष की दोनों पार्टियां हैं बीजेपी हो या कांग्रेस हो दोनों ही आपस में अभी तक इस बात को डिसाइड नहीं कर पा रही हैं कि उनकी पार्टी बहुमत में आ रही है एग्जिट पोल भले ही भाजपा को ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स जो दिखा रही है वो भाजपा की दिखा रही है और उसके बाद कांटे की टक्कर बताई जा रही है कांग्रेस की लेकिन दोनों ही पार्टियों को अभी कहीं ना कहीं कसमकश बना हुआ है कि आखिर कल जीत किसकी होगी और इसी के चलते लगातार दोनों ही पार्टियों के बीच में घमासान छिड़ा हुआ है लगातार मीटिंग का दौर चल रहा है और लेकिन अगर मैं ओवर कॉन्फिडेंट की बात करूँ तो दोनों ही पार्टियों के बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो लगातार इस बात को दावा कर रहे हैं कि उनकी ही पार्टी कल बहुमत लेकर सरकार बनाने जा रही है चाहे कांग्रेस हो इसमें चाहे बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी जो तीसरा कहें एक स्टैंड खुल है वो आम आदमी पार्टी का जबकि आम आदमी पार्टी को अभी तक किसी ने भी आ, अगर मैं एग्जिट वोट की बात करूं तो उसमें भी किसी ने उन्हें एक या दो सीटें दिखाई हैं लेकिन किसी ने आ, सत्ता में आने की बात नहीं कही है लेकिन दोनों ही तीनों जो अगर मैं बात करूं दोनों तीनों पार्टियों की तो अभी भी कशमकश का दौर जारी है निर्दलीय और अदर्स पार्टीज को जो मेंबर्स हैं जिताऊ कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं दोनों ही पार्टियों को वो उन्हें साधने में जुटे हुए हैं लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन किए जाएँ चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष हो किसी भी नेता को जोड़ा जाए और इसी के चलते इसी के चलते यहाँ बीजेपी के बड़े टॉप लीडर्स यहाँ आ गए हैं जिससे कांग्रेस भी भयभीत है कांग्रेस के टॉप लीडर्स यहां आ गए जैसे हम बात करें बघेल साहब की बात करें तो उन्होंने भी अपनी रणनीति के तहत तेरह जिलों में तेरह बड़े नेताओं की ड्यूटी लगा दी है कि जो भी जिताऊ कैंडिडेट है जो भी अपने प्रत्याशी हैं उन पर कड़ी नजर रखी जाए कोई इन्हें बरगला ना सके इसी तरह का सेम प्लान बीजेपी ने भी अपने तैयार कर लिया है बीजेपी अपने जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई दे रही है लेकिन बात फिर वही आ जाती है अगर आश्वस्त है तो कई लोगों से बात करने की क्या जरूरत पड़ी है तो नंबर ऑफ गेंद का जो गेम है है ये ये पूरा ये पूरा सीधे रूप से दिखाई दे रहा उत्तराखंड की जो चुनावी रण है इस पर दिखाई दे रहा है लेकिन कुछ ही घंटे बाद अब पता चल जाएगा कि आखिर सरकार कौन बनाएगा और किसे कितने जिताऊ कैंडिडेट लेकर सरकार बनाने का मौका मिलेगा ये आने वाले कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा सुबह आठ बजे से वोटिंग काउंटिंग शुरू हो जाएगी और स्थिति मुझे ऐसा लगता है कि साढ़े ग्यारह बजे तक ये पूरी तस्वीर उत्तराखंड की सामने आ जाएगी कि सत्तर विधानसभा सीटों पे सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को मिलती हैं या फिर कांग्रेस को ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है अर्चना